तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, ये जो आपको गिवन मॉलिक्यूल है इसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म। आपको ऑप्शन गिवन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो भाई आपको चार ऑप्शन है और आप इस मॉलिक्यूल को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन से वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में LAH के नाम से भी लिखते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है यहाँ पे आपका जो H नेगेटिव होता है ये यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, दिस हाइड्राइड आयन ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखिए आपके पास ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये मैक्सिमम सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास कीटोन हो, चाहे आपके पास एस्टर हो, ठीक है, चाहे आपके पास एसिड हो, चाहे आपके पास एनहाइड्राइड हो, चाहे आपके पास साइनाइड ग्रुप हो, ठीक है, तो ये सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप को जनरली रिड्यूस करता है, ठीक है, क्लियर है। चाहे आपके पास COCl हो। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में बताना चाहता हूं, दिस LAH डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये भाई आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बट इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन पीएच एंड सीओ ग्रुप देन LAH ऑल्सो रिड्यूस डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर आपका जो डबल बॉन्ड है वो पीएच और सीओ ग्रुप के बीच में है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने वाला हूं, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, और अगर आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर दें तो भाई ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बन जाएगा पीएच सी एच टू एंड सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका डबल बॉन्ड पीएच और सीओ ग्रुप के बीच में होगा तो ये हमेशा ही उसको प्रोड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच सीओ ओएच, और अगर आप यहाँ पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें तो ये इस CUH को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा भाई आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा पीएच सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड ओ एच। तो ये भाई आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका गिवन मॉलिक्यूल है
यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जब आप भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी यहां से टूटेगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, दिस सी एच टू ओ एच, जो आपका सीओ ग्रुप है इसमें रिड्यूस हो जाएगा सी एच टू एच और यहाँ पे ओ एच, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको मिलने वाला है दिस वन, सेकेंड प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप देखें सी एच थ्री सी एच टू और ये जो आपका सीओ ग्रुप है ये भी किसमें रिड्यूस हो जाएगा सी एच टू एच के अंदर, तो थर्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है दिस वन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला भी अपने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी अपने को मिल रहा है, देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी अपने को मिल रहा है, तो अपने को यहाँ पे कौन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपके पास सी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।